नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंचकुला नगर निगम की एनफोर्समेंट विंग ने सोमवार को बिना अनुमति के सेक्टरों में दुकानों के बाहर और पार्किंग एरिया में स्टॉल लगाने वालों के चालान काटे। ये चालान शहर के विभिन्न सेक्टरों में सरकारी जमीन पर स्टॉल लगाने पर काटे गए। नगर निगम ने 27 चालान काट कर 87,600 रुपए जुर्माने के एकत्रित किए। यह चालान सेक्टर 4, 7, 8 और 15 की मार्केट में किए गए। नगर निगम पंचकुला के DMC2 श्री हरदीप सिंह ने कहा कि अगर दुकानदार फेस्टिवल सीजन में अपनी दुकान के आगे स्टॉल लगाना चाहते हैं तो वह पंचकुला नगर निगम के ऑफिस में आकर इसकी अनुमति ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहार सीजन में किसी भी दुकानदार को नगर निगम परेशान नहीं करना चाहता। ऐसे में दुकानदार की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे स्टॉल लगाने की अनुमति ले ताकि उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान और स्टॉल के बाहर के रास्ते को भी बाधित न होने दे। श्री हरदीप सिंह ने बताया कि नगर निगम ने करवा चौथ और दिवाली पर स्टॉल लगाने के लिए अनुमति देनी शुरू कर दी हुई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।